हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं हिस्ट्री फॉर पॉइंट यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, या तो कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी न किसी रूप में यह सब्जेक्ट आप में होगा ही। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको दो चार एग्जाम्पल भी देंगे ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और आपके भी यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे। पूरे 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता है। साथ में अगर आपका प्रैक्टिकल वाइवा होगा तो यह क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे पूछ ही लेगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर अपनी तरफ से एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज हम जानेंगे आज की वीडियो लेक्चर में थेवेनिन थ्योरम क्या होती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिस तरीके से आपकी केवीएल और केसीएल साथ में सुपर पोजिशन इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से और उतना ही थेवेनिन थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो अंत तक देखनी होगी। इतना ही नहीं कि हम आपको परिभाषा बताकर छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व कराने के साथ साथ हम आपको होमवर्क भी देंगे, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप भी अच्छे से सीख सके, ठीक है ना। तो आज की वीडियो देखते रहिए अंत तक, वीडियो पसंद आने पर लाइक तो करेंगे ही, ठीक है। चलिए देखिए थेवेनिन थ्योरम क्या होती है। देखिए बहुत अच्छे समझिएगा। इस प्रमेय के अनुसार दो सिरा वाले जटिल विद्युत नेटवर्क को एक ऐसे विद्युत परिपथ में बदला जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स VTH एवं उसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध RTH लगा हो, ठीक है। जहां VTH को थेवेनिन वोल्टेज तथा RTH को थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यही परिभाषा होगी। एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक नेटवर्क है और यहाँ पे देखिए एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा है, ए व बी के बीच इसमें IL धारा फ्लो हो रही है क्योंकि लोड है। अब देखिए इसके जो तुल्य होगा थेवेनिन सोर्स, ये देखो VTH RTH जो है ना, ये पूरा थेवेनिन सोर्स है और ये आपकी RL है और आपका धारा में, तो इस तरीके के परिपथ में चेंज कर सकते हो। और अभी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट बातें। IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, आपको VTH फाइंड करना होगा, फिर आपको RTH फाइंड करना होगा प्लस RL, इस तरीके से कर देंगे आपको IL लोड करंट का मान पता चल जाएगा। देखिए जहां RL आपका है लोड रेजिस्टेंस और IL है करंट इन RL, मीन कहने का मतलब है लोड करंट है यहां पर। अब देखिए गाइस, थेवेनिन प्रमेय द्वारा परिपथ को हल करने की क्या विधियां हैं, कैसे थेवेनिन प्रमेय की मदद से हम मतलब जो सर्किट्स होती हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी दिए गए दो सिरा वाले, ध्यान दीजिएगा, किसी दिए गए दो सिरा वाले विद्युत नेटवर्क को या जटिल विद्युत नेटवर्क को बोल सकते हैं, को थेवेनिन प्रमेय को निम्न द्वारा हल किया जा सकता है। ये रही थेवेनिन सर्किट, मेन सर्किट है, इसकी मदद से बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R1 R2 R3, इधर RL लगा है, इस तरीके से भी लगा है। अब देखिए सबसे पहला दोस्तों हम RTH कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि RTH बहुत जरूरी है। RTH ज्ञात करने के नियम, RTH ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम लोड रेजिस्टेंस RL को हटा दिया जाता है। करने का मतलब क्या होगा, RL को यहाँ से हटा देंगे तथा परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मतलब वोल्टेज सोर्स, अभी हमने पिछले वीडियो सुपर पोजिशन में शॉर्ट सर्किट करने का तरीका बताया था, परंतु उनके आंतरिक प्रतिरोधों को वैसे लगा रहने देते थे। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज सोर्स जो आपका उसको हटा देंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। और हमने उस वीडियो में कहा था कि भैया देखो वोल्टेज सोर्स है उसको जब हटा दोगे तो वहाँ जो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर वहाँ लिखा गया है तो वो चीज़ वैसी लगी रहती है, ठीक है। तथा सभी करंट सोर्स, यदि कोई करंट सोर्स उसमें है, ठीक है, तो उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है। तथा सिरा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं जो RTH के वाइस बराबर हो जाता है। आप देख सकते हैं क्या किया जाएगा, पहले स्टेप में इसको हटा देंगे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसको रहने देंगे, इसको हटा देंगे, ए व बी के बीच यहाँ से RTH
फाइंड कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं परिपथ, उसके अकॉर्डिंग गाइस बन जाएगा। देखिए शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया, आर वन आर टू आर थ्री, इसके बीच हम आर टी एच निकाल लेंगे। यानी फार्मूला क्या बन जाएगा, आर टी एच इक्वल टू आर वन पैरेलल आर टू प्लस आर थ्री। तो फार्मूला पूरा बड़ा होकर निकलेगा, आर टी एच इक्वल टू आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू आर थ्री। अगर आर टी एच इक्वल टू कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा, यानी आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन बटे हम आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। ये चीज गाइस आपकी हो जाएगी आर टी एच ज्ञात करने के। इतने में ही नहीं सॉल्व हो जाता पूरा चीज। अभी आपको जानना होगा कि भैया वी टी एच कैसे निकालेंगे। देखिए स्टेप टू में, स्टेप टू में VTH ज्ञात करने के लिए लोड रेजिस्टेंस RL, ध्यान दीजिएगा VTH ज्ञात करने के लिए लोड रेजिस्टेंस RL को हटाकर सिरा A व B को बीच ओपन सर्किट, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे शॉर्ट कट में VOC कहा जाता है, इसको आप याद कर लीजिए। अगर कहीं VOC लिखा है उसका मतलब ओपन सर्किट, देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तथा यही ओपन सर्किट वोल्टेज यानी VOC थेवेनिन वोल्टेज यानी VTH के बराबर होगा। आप एक परिपथ भी देख सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए V है और यहाँ पे I है, ठीक है। I एम्पियर करंट फ्लो इधर से R1 R2 R3 और VOC इसके क्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। अब भैया इसमें तो धारा आएगी नहीं, तो R1 के मतलब इसी तरीके से सीरीज में रहेगा, तो आपको पता है इसी तरीके से आप यहाँ से वोल्टेज और करंट वगैरह जो निकाल देख सकते हैं। VC = V - IR1, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए गाइस जैसे ही इतना चीज़ पता चल जाता है, आपको पता है कि भैया देखिए ये चीज़ सीरीज में थी, अब ये तो भैया इसमें करंट जाएगी नहीं, तो आपकी यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो करंट जब यहाँ जाएगी तो सीरीज में, तो I = V/R वाला फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ दो रेजिस्टेंस सीरीज में तो दोनों का योग हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है कि I = V/R1+R2 हो जाएगा। और देखिए VTH = VOC हो जाएगा बराबर IR2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि VTH = IR2 हो जाएगा, ठीक है, VTH = IR2 हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके से VTH = IR2, लेकिन दोस्तों देखिए VTH = V/R1+R2 हो जाएंगे क्योंकि I की वैल्यू हमने निकाल ली है और R2 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए VTH तथा RTH ज्ञात मतलब ज्ञात करने के बाद या प्राप्त हो जाने के बाद थेवेनिन का तुल्य परिपथ बनाते हैं तथा धारा IL का मान निम्न सूत्र द्वारा गाइस हम यहाँ पे क्या करते हैं ज्ञात कर लेते हैं। तो आपने देखा गाइस कुछ इस तरीके से बिल्कुल थेवेनिन थ्योरम सॉल्व होती है, और इसका रहा तुल्य परिपथ VTH RTH और ये आपका पूरा थेवेनिन सोर्स कहलाएगा। A व B RL होगा और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट दोस्तों IL हो जाएगी। तो अभी तक आपने थेवेनिन थ्योरम की सिर्फ परिभाषा कैसे लिखते हैं इसके बारे में जाना, अब आप लोग जान लीजिए कि भैया न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखिए हम इसको साइड में कर लेते हैं फटाफट से और हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल रख रहा हूँ, मान लीजिए पहला न्यूमेरिकल है इस तरीके का है गाइस, और यहाँ पे मान लीजिए एक है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे गाइस ये देखिए आपके पास इस तरीके का है और यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, और ये आपका ए रहेगा और बी रहेगा, और ये RL = मतलब लोड रेजिस्टेंस 15 ओम का है, और यहाँ दोस्तों 12 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 10 ओम का, और यहाँ पे 5 ओम का, और यहाँ 24 वोल्ट की आपकी बैटरी, और यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस भी लगा है। देखिए अगले वीडियो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस वाला नहीं केस लिया था, इस वीडियो हमने इंटरनल केस ले लिया ताकि आपको अच्छे समझ आए बैटरी को, जहाँ प्लस चिन्ह माइनस इस चीज़ दिखा लेंगे। शॉर्ट करेंगे तो 1 ओम यहाँ रहेगा, इसका ध्यान रहे आपको। इसी तरीके से गाइस परिपथ दिया गया और इसको बोला जा रहा है कि थेवेनिन परिपथ में तुल्य मतलब चेंज कर दीजिए, और यहां बहने वाली धारा IL है इसको फाइंड कीजिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप में आपको पता है कि भैया हम VTH ज्ञात करेंगे, तो मतलब स्टेप वन कह सकते हैं, ठीक है, स्टेप वन। तो स्टेप वन में आपको पता है VTH ज्ञात करते हैं, तो VTH ज्ञात करने के लिए कंडीशन थी कि भैया हम RL को सिर्फ हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए आपकी परिपथ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये देखिए यहां पे, ये देखिए गाइस, और यहां पे इस तरह से आपके 24 वोल्ट लगे रहेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा। आपने देख लिया इतनी चीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट आपका रहेगा, लगा लीजिए, यहाँ पे आपका 5 ओम, यहाँ पे 12 ओम, यहाँ पे 10 ओम, और दोस्तों यहाँ पे जो आप ज्ञात करेंगे ये आपका क्या होगा, VOC यानी ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, ठीक है। अब देखिए आपने दोस्तों क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है I = होता है V/R। यहाँ देखिए सर्किट ओपन है तो इसमें कोई धारा नहीं फ्लो होगी, हमारी करंट यहाँ से निकलेगी ऐसे घूमते हुए बस यहाँ तक चली आएगी, यानी V/R। V कितना दिया है दोस्तों, 24 दिया है। R कितना दिया है, देखिए 5 दिया है, सीरीज में है ध्यान दीजिएगा, प्लस कितना दिया है, 12 दिया है,
प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ओम भी तो दिया था, ये देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखिए 24 हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितने हो? तो गाइस यहाँ देख सकते हैं कि 12 और 5 17 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएंगे। यानी दोस्तों इसको अगर हम सरल कर लेंगे तो 4/3, देखिए 36 18 6 24, 4/3 एम्पियर की दोस्तों हमें धारा प्राप्त होगी। हमें पता चल गया भैया यहाँ से करंट जो निकल रही है 4/3 एम्पियर की है, ठीक है। इतनी चीज़ें अभी आपने निकाल ली। अब दोस्तों जैसे इतना पता चल जाता है, आपको पता है कि वी टी एच इज इक्वल टू होते हैं वी ओ सी यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, और ओपन सर्किट वी इज इक्वल टू होता है आई आर होता है दोस्तों। अब देखिए आई की वैल्यू तो यहाँ निकाल दी गई है, देख सकते हैं 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका वी ओ सी आई आर होता है, और रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 12 ओम, मतलब इसमें से भैया करंट आपकी कितनी फ्लो रही है 12, तो यहाँ पे वी ओ सी इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकाल लें तो मतलब 12 में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 × 4 = 12 हो जाएंगे, यानी आपके 16 वोल्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी दोस्तों आपको वी ओ सी कहें या बराबर वी टी एच कहें, आपको 16 वोल्ट मिल गया, ये चीज़ दोस्तों आपको मिल गई। अभी आपने आई एल नहीं निकाला, आपने वी ओ सी निकाला और आई निकाला है, अभी आई एल निकालेंगे बाद में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए स्टेप हम 2 कर लेते हैं। स्टेप 2 में क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हम आर टी एस ज्ञात करेंगे। तो आर टी एस ज्ञात करने के लिए हमने कंडीशन ये बताई कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस को लगा रहने दो, और यहाँ इसको हटा दियोगे और इसके अक्रॉस आर टी एस ज्ञात कर लोगे। अब देखिए तो आपका परिपथ कैसे बनेगा, ये देखिए परिपथ ऐसा कुछ बन जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपने शॉर्ट किया है तो इसको देखते रहिए, अब यहाँ पे रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप आर टी एच ज्ञात कर रहे हैं, और इसको ऐसे शॉर्ट कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर रहेगा 5 ओम, यहाँ पर रहेगा 12 ओम, यहाँ पर रहेगा 10 ओम, इसके अकॉर्डिंग आर टी एच ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये दोनों चीज़ें दो हैं गाइस सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, आपको पता है, दिमाग में रख लीजिए 6 ओम का होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आर टी एच का जो फार्मूला बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल, मतलब ये दोनों तो सीरीज में जुड़ जाएंगे यानी 6 हो जाएंगे, और 6 और 12 के साथ पैरेलल, यानी 6 × हो जाएंगे 12/6 + 12 हो जाएंगे, यही चीज़ दोस्तों आ जाएगी, प्लस आपकी आ जाएगी 10। ऐसे निकालते हैं इस चीज़ को, या तो आप 10 प्लस करके ये चीज़ लिख सकते थे। अब देखिए कैसे यहाँ पे आर टी एच आएगा, आर टी एच इक्वल टू 12, देख ऐसे रहने दीजिए 12 × 6, और 12 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, और 6 × 3 = 18, और 3 × 4 = 12, यानी दोस्तों आ जाएंगे यहाँ से देखो 4 बचा, और यहाँ पे प्लस कितना बचा दोस्तों 10, यहाँ 10 किए रहिए, तो आपका कितना आएगा 4 + 10, यानी दोस्तों आर टी एच इज इक्वल टू आ गया आपका 14 ओम, ध्यान दीजिएगा 14 ओम का आपका प्रतिरोध आ चुका है। तो आपने क्या निकाला, अभी तक आपने वी टी एच निकाला और आर टी एच निकाला, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम बनाते हैं क्या कि ए परिपथ था, देखा आपने ए परिपथ था ना, अब इसको हम तुल्य में बदल लेते हैं। आपको पता है कि भैया थेवनिन जो आपका है, थेवनिन आप कैसे बनाते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होना चाहिए इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, दूसरा रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे होगा, आपको पता है कि यहाँ पे मान लो इस तरीके से होगा गाइस, और यहाँ पे आपकी जो वी टी एच कितनी वैल्यू आई, वी टी एच आप देख सकते हैं कि 16 वोल्ट आया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16 वोल्ट लिख लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये दोस्तों आपका कितना था ए आर टी एच होता है, तो आर टी एच आप देख सकते हैं 14 ओम आ चुका है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 14 ओम चीज़ लिख लेंगे, ठीक है। और ये आपका वी टी एच ए आर टी एच, ये देखो दोस्तों आर एल होता है, आर एल जितना पहले था वही अब भी रहेगा, यानी आर एल इज इक्वल टू 15 ओम हो जाएंगे, और ये आपका ए है और बी है, और दोस्तों आर एल में जो धारा बहती है वो आई एल फ्लो होती है, इसका आपको ध्यान रहे। अब दोस्तों हमने आई एल में कितनी करंट फ्लो होती है, हमने आपको कंडीशन बताई थी कि आई एल इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी दोस्तों। तो आर होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ दो रेजिस्टेंस है और दोनों सीरीज में है, और ये आपका आर टी एच है, ठीक है, और ये आपका वी टी एच हो जाएगा, इसको लिख लीजिए वी टी एच इज इक्वल टू इतना है, तो वी टी एच हो जाएगा आर टी एच प्लस आर एल हो जाएंगे। अब वी टी एच की वैल्यू क्या है, 16 है, आर टी एच कितना है 14 है, प्लस दोस्तों 15 है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 5 × 4 = 9 हो जाएंगे, और एक कितना हो जाएंगे 2, और एम्पियर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईवल की धारा 16/29 एम्पियर आ जाएगी।
तो आपने देखा कितनी अमेजिंग तरीके से यार हमने इस परिपथ को सॉल्व किया, तुल्य प्रतिरोध भी बना लिया। इसको आप केसीएल वगैरह भी इस्तेमाल, केवीएल मतलब किरचॉफ करंट ला, या सुपर पोजिशन वगैरह भी, मतलब सुपर पोजिशन इसमें नहीं लगेगा, लेकिन केवीएल वगैरह लगा करके सॉल्व एआईएल आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो गाइस इस तरीके से आप थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अब समय आ चुका है आपको होमवर्क देने का, ठीक है? आप होमवर्क लीजिए, आप अपने से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लीजिए दो तीन होमवर्क दे देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपके बैटरी सोर्स इधर लगी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे गाइस इस तरीके से, ठीक है? और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, और एक यहाँ पे ले लीजिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आर एल इज इक्वल टू हम 10 ओम ले लेते हैं, और ये 3 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये 7 ओम का है, और ये 5 ओम का है, और यहाँ हम लगा दे रहे हैं 24 वोल्ट की बैटरी लगा दे रहे हैं, ठीक है? 24 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये 7 है, ठीक है? तो इस तरीके से गाइस आपको पूरा परिपथ सॉल्व करना जैसे हमने सॉल्व किया। चलिए हम एक और इसी तरीके की एग्जाम्पल ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे इस तरीके से गाइस, और यहाँ पे देखिए इसी तरीके का बिल्कुल फिगर है, और यहाँ पे हमें इंटरनल तो लगाना पड़ेगा। आर एल इज इक्वल टू 50 ओम का है, यहाँ पे 7 ओम का है, ये भी 7 ओम का, यहाँ 8 ओम के हैं, और यहाँ बता दूँ दोस्तों 100 वोल्ट लगी है बैटरी, ठीक है? 100 वोल्ट, और यहाँ पे 5 ओम लगा है, इसका भी ध्यान रहे आपको, 100 वोल्ट 5 ओम लिखा गया है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे हमने केस में बताया वहाँ पे ले लेंगे, यहाँ इंटरनल नहीं है तो नॉर्मल से ले लेंगे, और इन दोनों को एक साथ जोड़ कर लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, 5-7 पैरेलल में, यहाँ से आप निकाल लेंगे सब कुछ चीज़ें, और इसमें इंटरनल नहीं है। इस तरीके आपके एक क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ इसी तरीके का, ठीक है? ताकि आप प्रैक्टिस करता हो, और ध्यान दीजिए मैं रैंडमली दे रहा हूँ, कोई बुक वगैरह से नहीं दे रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से गाइस आपके इधर हो गए, ये देखिए ये आपका यहाँ पे, इसको ए बी बना लीजिए, ठीक है? यहाँ पे ए बी बना लीजिएगा अपना, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब लोग समझ जाते हैं जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ मान लीजिए कि आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर आपका 7 ओम, यहाँ 2 ओम, और यहाँ आपका यहाँ पर भी 2 ओम, और यहाँ आपके बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 वोल्ट ही लगा लीजिए, ठीक है? इस तरीके से गाइस आपको यहाँ पे मतलब करंट वगैरह जैसे हमने फाइंड किया उस तरह, इसमें इंटरनल नहीं है। ये मत सोचना कि दूसरा फिगर है, इसको ऐसे कर दोगे तो बात वही चीज़ आ जाएगी, वही फिगर है, ठीक है? तो इस तरीके से गाइस आपको 3 होमवर्क मिल जाते हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमारे व्हाट्सएप भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 70-810-78-539। ये टेलीग्राम भी है, व्हाट्सअप पर भी आप कहीं पर भेज सकते हैं अपनी चेक, मतलब चेक करने के लिए भैया आपने सही लगाया या नहीं, ठीक है? तो गाइस आई होप आपकी जो लेक्चर थी ना वो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते दोस्त, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। गुड बाय।